तो सबसे पहले देखेंगे अपने मिर्च के अंदर आपके सिलेबस में दो डिजीज दी हुई हैं। दोनों डिजीज के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, एंथ्राग्नोज के बारे में, जो कि फंगल डिजीज है, मिर्च के ऊपर लगती है, जो जिसके दूसरे नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, डाईबैक ऑफ चिली बोल सकते हैं या फिर फ्रूट रोट बोल सकते हैं। तो तीनों मतलब कि एक ही चीज़ है, मतलब एक ही डिजीज़ के अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों स्टेज है वो दिखती है इस डिजीज़ में, इसी वजह से इसके अलग अलग नेम रहेंगे, ठीक है। तो तीनों के तीनों के अलग अलग सिम्टम दिखेंगे, उसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी। वैसे भी आप एंथ्राग्नोज बहुत सारी क्रॉप में पहले भी पढ़ चुके हो, तो आपको नॉर्मल इसके सिम्टम तो आइडिया ही होगा, इसका पता ही होगा किस तरह से इसके सिम्टम बनेंगे, कैसे कैसे इसके मेन, जैसे इसमें आपको पता ही है कि एसरबुलस बनती है, उन सब के बारे में पहले भी बहुत बार अपने जिक्र कर चुके हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंथ्राग्नोज है क्या और किस तरह से नुकसान पहुँचाता है। तो एंथ्राग्नोज है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, क्योंकि इस डिजीज़ से क्या होता है कि जो चिल्ली, ये क्या है कि फूड को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इससे क्या होता है कि मार्केट में बेचने लायक नहीं रहती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बिल्कुल डाउन हो जाती है, जो चिल्ली है वो बिल्कुल गल जाती है, तो इकोनॉमिक लॉस आता है किसान को। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसका मतलब कि एक और ये डिजीज़ क्या करती है कि ये फ्रूट को प्लस इसके इसका जो सीड होता है उन दोनों को ही अफेक्ट कर देती है, दोनों को बर्बाद कर देती है। और ये जो डिजीज़ है वो मोस्टली मतलब साउथर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो एंथ्राग्नोज के अंदर इसका मेन सिम्टम क्या रहता है आपको पता है, यहाँ पे देख लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि स्पॉट पड़ेगा, एक धब्बा पड़ जाता है प्लांट के, मतलब कि उसका जो लीफ है या फिर जो फ्रूट पोर्शन है उसके ऊपर, तो वहाँ क्या होगा, इस तरह से एक धब्बा बनता है, लीजन आप बोल सकते हो। तो धब्बा किस वजह से बनेगा, वहाँ पे नेक्रोसिस कर देगी फंगस, इस वजह से बनेगा। और उसका जो सेंटर होता है वो बिल्कुल ऐसे ग्रे बोल सकते हो या फिर ब्लैक कलर का डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है सेंटर में, जो कि किसकी वजह से बनती है, एसरबुलस की वजह से। एसरबुलस क्या होती है, इस तरह से आपको बता चुकी हूँ मैं कि फ्लैट ऐसे सोसर शेप की जो स्ट्रक्चर रहती है, डिस्क शेप की, वहाँ क्या होता है जो कि कोनिडिया के द्वारा भरी रहती है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। तो अपने आगे इमेज भी देखेंगे इसकी, इस तरह से उसके अंदर कोनिडिया भरे रहते हैं और ये धागेनुमा जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं सीटी, जो कि कोनिडिया के लिब्रेशन में काम आती है, मतलब लिब्रेट करने में, बाहर की तरफ ऐसे फेंकने में। तो ये मेनली रहेगा। तो नेक्स्ट इसके देखते हैं सिम्टम। तो सिम्टम की अगर बात करें तो इस डिजीज़ में आप तीनों स्टेज के बारे में लिखोगे, फर्स्ट रहेगा एंथ्राग्नोज, सेकंड वन डाईबैक सिम्टम बनता है, थर्ड वन कौन सा बनता है, फ्रूट रोट सिम्टम बनता है। तो एंथ्राग्नोज में अभी भी आपको बता दिया उस तरह से रहेगा, मतलब स्पॉट पड़ जाएगा, स्पॉट किसकी वजह से बनता है, नेक्रोसिस की वजह से बनता है, वहाँ पे सेल्स टिश्यू की डेथ हो जाती है, इस वजह से होगा। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्या होगा कि नेक्स्ट अपने अगर देखें कि इसमें अलग अलग स्टेज आती है, जैसे तो राइप फ्रूट जो रोट होता है, राइप फ्रूट रोट स्टेज बनेंगी अलग से सिम्टम में, तो वो किस तरह से रहेगा। तो उसमें देखिए कि राइप फ्रूट रोट में क्या रहता है, फ्रूट रोट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रोटिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डिसइंटीग्रेशन होना, डिग्रेडेशन होना। तो इसमें क्या होगा कि जो राइप फ्रूट भी मतलब अपना जो प्रॉपर जो मैच्योर फ्रूट है, बिल्कुल जो पका हुआ जो फल है, जो मिर्ची का बिल्कुल पका हुआ जो मिर्ची जो रहती है, उसके ऊपर ये जो सिम्टम है वो बनता है कि उसकी रोटिंग हो जाती है, पूरी तरह से गलन हो जाती है, वो सड़ जाता है वहाँ पे, मतलब कि सेल्स टिश्यूज है उनकी पूरी तरह से डेथ हो जाती है, जो फ्रूट है वो बिल्कुल ऐसे सड़ा हुआ सा लगेगा, वहाँ पे स्पॉट पड़ जाता है, फंगस की ग्रोथ दिखती है। तो ये मेनली इसमें सिम्टम रहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो राइप फ्रूट रोट है वो मेनली जो राइप हो चुके, जो मैच्योर हो चुके जो फ्रूट है वहीं पे अपने को ये सिम्टम दिखेगा। उसके ऊपर क्या बन जाता है, स्मॉल मतलब छोटा ब्लैक कलर का सर्कुलर स्पॉट बनेगा, जो कि फर्स्ट सिम्टम है डिजीज़ का। मतलब पहले वो स्पॉट है वो छोटा सा पड़ता है और धीरे धीरे क्या होता है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, बैडली डिजीज फ्रूट लॉस देयर नॉर्मल कलर, मतलब उसका जो नॉर्मल जो कलर रहता है वो खो देता है और वहाँ पे मतलब कि स्ट्रॉ कलर का या फिर मतलब
स्ट्रा कलर तो मतलब समझ रही हो, जो भूसी का जो कलर होता है, मतलब ऐसे लाइट ऐसे ब्राउनिश जो कलर रहता है, या फिर पेल व्हाइट भी बोल सकते हो, भी गंदला व्हाइट सा कलर इसका हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ऐसे स्पॉट स्पॉट इसके ऊपर पड़ रहा है फ्रूट के ऊपर, और यहाँ पे बिल्कुल व्हाइटिश ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें आप देखिए कि धीरे धीरे स्पॉट है वो इनलार्ज होता गया और पूरे फ्रूट को इसने कवर कर लिया, पूरे फ्रूट को बर्बाद कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट है कि ऑन फ्रूट ब्लैक डॉट लाइक फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगस, वो कौन सी रहेगी, ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे याद करो मैंने शुगर केन की कोलेटोट्राइकम फाल्केटम वाली रेड रोट करवाई थी आपको डिजीज, उसमें भी आपको इसके बारे में बताया था। तो उसके अंदर क्या था, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम था, यहाँ पे बस स्पीसीज चेंज हो गई है, कैप्सिसी हो गया है। कैप्सिसी क्यों हुआ है, क्योंकि चिली का नेम रहता है उसका साइंटिफिक नेम से इसकी बस स्पीसीज बना दी है, बाकी ज़्यादातर जो करेक्टर हैं वो वही रहेंगे इस कोलेटोट्राइकम के, सेम ही रहते हैं, बस स्पीसीज चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर देखिए फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो कि किसकी वजह से होगी, एसरबुलस की वजह से होगी, और कंसेंट्रिक जोन मतलब इस तरह का जो जोन बनता है, जो स्पॉट पड़ता है उसके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर जो पोर्शन रहता है वहां पे क्या होगा कि ब्लैक डॉट लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, इन एडवांस केस ऑफ इंफेक्शन सीड आर आल्सो इंफेक्टेड एंड शो रस्टी कलर, जो मतलब कि इसका जो सीड होता है एडवांस केस अगर हो जाते हैं तो इसका जो सीड बनता है इसके अंदर तो वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, रस्टी कलर मतलब कि ऐसे जंग लाइक सी अपीयरेंस देता है जो सीड है, उसके ऊपर भी धब्बा सा ऐसे बन जाता है, सीड पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो ये मेनली रहेंगे इसका सिम्टम। नेक्स्ट स्टेज इसकी देखिए कौन सी आती है, डाईबैक स्टेज। तो डाईबैक आपको पता है, सिट्रस में आपने पढ़ा था डाईबैक, उसका मेन जो सिम्टम है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डाईबैक का मतलब क्या होता है, डाई मतलब खत्म होना, डाई मतलब डेथ होना, खत्म होना, बैक मतलब बैकवर्ड डाइंग होने लग जाती है, बैकवर्ड ये जो है वो पौधा मरने लग जाता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि पौधे में ऊपर से नीचे की तरफ जो पौधा है वो सूखने लग जाता है। तो फर्स्टली क्या होगा कि ऊपर वाली जो इसकी ट्विग्स होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं, उस वो धीरे धीरे सूखेंगी वहाँ पे, मतलब वो बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। धीरे धीरे ये जो डाइंग है वो नीचे की तरफ भी बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो खत्म होने लग जाता है। तो टॉप टू डाउनवर्ड इसकी जो डाइंग रहेगी वो मेनली टॉप टू डाउनवर्ड इसकी नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस तो मतलब समझ रहे हो कि सेल्स टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी और धीरे धीरे पौधा जो है वो बिल्कुल सूखने लग जाता है। तो इसके अंदर देखिए, द अटैक स्टार्ट फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द फ्लोरिंग बर्ड, जो फ्लोरिंग बर्ड जो रहते हैं वहाँ के ग्रोइंग पॉइंट जो रहते हैं, मतलब मेनली जहाँ से ग्रो करेगा प्लांट, तो वहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा तो उसके ऊपर मेनली फर्स्टली अटैक होगा। नेक्स्ट देखिए, द ट्विग्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम टॉप शो नेक्रोसिस एंड प्रोग्रेसिव डाउनवर्ड, तो मतलब फर्स्टली क्या होगा कि नेक्रोसिस होने लग जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट देखिए, डाईबैक ट्विग और ब्रांचेस बिकम वाटर सोक टू ब्राउन एंड टर्न टू ग्रेइश व्हाइट और स्ट्रा कलर इन द लेटर स्टेज। तो इसके अंदर फर्स्टली क्या होगा कि वाटर सोक्ड ऐसे लीजन सा पड़ता है और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो ड्राइंग होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती है और बिल्कुल जो पौधा है वो स्ट्रा कलर का हो जाता है, मतलब भूसी के जो भूसे का जो कलर होता है ऐसे ब्राउनिश कलर, तो उस कलर का बिल्कुल हो जाता है ये। नेक्स्ट देखिए कि The large number of pint size black colored acerulus scattered over infected parts. So infected जो parts रहते हैं पौधे के वहाँ पे मतलब black color की dotted like जो appearance जो रहती है, बोल सकते हो आप कि infected जो part रहेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल pin size की बिल्कुल ऐसे dot सा ऐसे दिखेगा आपको बिल्कुल, तो black color का रहेगा जो कि किसकी वजह से बनता है, acerulus की वजह से बनता है। तो ये mainly रहेंगे इसके symptoms। Next देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल की अगर बात करें तो आपको पता ही है ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास की फंगस है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है तो किसके थ्रू होगा, कोनिडिया बनता है, कोनिडिया के थ्रू होगा, मतलब एसरबुलस बॉडी बन रही है, आपको पता ही है एसरबुलस जो है वो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, और एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में कौन से स्पोर बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। तो इसका मेनली जो इन्फेक्शन है वो कोनिडिया के थ्रू ही होगा, कोनिडिया के थ्रू ही स्प्रेड आउट होती है पूरा। तो इसके अंदर यहाँ से देखिए इसका डिजीज साइकिल कि फर्स्टली जैसे ये लीव्स है,
तो इन्फेक्टेड जो भी प्लांट पार्ट रहते हैं उसके ऊपर जैसे कोनिडिया का इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन होगा तो किस तरह से इन्फेक्ट करेगा वो, इस तरह से, ये जैसे मतलब यहाँ पे बताया गया है, जर्मिनेशन ऑफ कोनिडियम एंड पेनिट्रेशन ऑफ टिश्यू, मतलब प्लांट के जो टिश्यू थे वहाँ पे क्या किया, ये जो कोनिडिया आया इसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, इसकी जर्म ट्यूब बनी इस तरह से और ये अंदर की तरफ मतलब चला गया और टिश्यू के अंदर पूरा का पूरा फैल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो धीरे धीरे इसका माइसीलियम जो होता है वो पूरी तरह से फैल जाता है प्लांट के टिश्यूज के अंदर। नेक्स्ट क्या, अर्ली इन्फेक्शन एंड इन्वेजन ऑफ टिश्यू, मतलब कि अर्ली इन्फेक्शन हो गया टिश्यूज का। नेक्स्ट देखिए कि जहाँ पे इसका इन्फेक्शन हुआ था वहाँ देखिए कि बिल्कुल आपको ब्लैकिश कलर यहाँ पे दिख रहा है कि जो टिश्यू है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उसकी नेक्रोसिस हो गई है, वो नेक्रोसिस हो गई है, बिल्कुल ऐसे सड़ गए हैं, वो खराब हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए वहाँ पे मतलब कि जो टिश्यूज है वहाँ पे नेक्रोसिस होने के बाद में नेक्स्ट क्या होता है, इसमें एसरवुलस बनती है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जो कि मतलब एसरवुलस विद मासेस ऑफ पिंकिश कोनिडिया डेवलप ऑन इन्फेक्टेड पार्ट्स। तो पिंक कलर के, पिंकिश कलर के आता है इसके कोनिडिया का। तो यहाँ पे देखिए आपकी एसरवुलस बनेगी, उसके अंदर पिंकिश कलर आ रहा है कोनिडिया का, इस इमेज में भी आप देख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए एसरवुलाई इन इनलार्जिंग सर्कुलर सनकन इन्फेक्टेड एरिया, मतलब कि जो एसरवुलाई है वो धीरे धीरे ऐसे उसका जो साइज है वो बढ़ने लग जाएगा और सनकन इसमें मतलब कि स्पॉट बनेगा। सनकन मतलब तो समझ रहे हो कि धसा हुआ बिल्कुल, कि जो इंटरनल पार्ट है उसको भी पूरी तरह से वो बर्बाद कर रहा है। तो इसके अंदर देखिए एसरवुलाई मैंने आपको बताई थी किस तरह से बनेगी, ये यहाँ से देख सकते हो कि इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बन रही है, ये है सीटी जो कि कोनिडिया के लिब्रेशन में हेल्प करती है, कोनिडिया को बाहर की तरफ मतलब फैलाने में हेल्प करेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो पिंक कलर के कोनिडिया बन रहे हैं, तो इसके स्पोर्स रहेंगे और वो आगे इन्फेक्शन कर देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन दोनों कोनिडिया के थ्रू होगा। और ये जो है वो सीड बोन डिजीज है, तो फर्स्टली तो क्या होगा कि जो फंगस होता है उसका जो डोरमेंट माइसीलियम है जो कि सीड के अंदर पड़ा रहता है वहां से इन्फेक्शन हो जाएगा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन कर देगा, कोनिडिया कर देगा। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन पहले भी पड़ चुकी हो कोलेटोट्राइकम की, सेम ही रहेगी, टेम्परेचर चाहिए रहता है 28 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95%, मतलब हाई ह्यूमिडिटी जब रहती है जब डिजीज है वो ज़्यादा फैलेगी। नेक्स्ट देखिए हाई ह्यूमिड कंडीशन व्हेन रेन अकर्स आफ्टर द फ्रूट हैव स्टार्ट टू रेड, मतलब कि जब बारिश हो जाती है जब उस टाइम क्या होता है कि जैसे फ्रूट है वो बनने लगता है, तो उस टाइम क्या होगा कि डिजीज फैल जाएगी और धीरे धीरे पूरा जो फ्रूट होता है उसको बर्बाद कर देगी, पूरे प्लांट को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ स्प्रेड इसका कौन सा होगा, सीड बोन है तो सीड के द्वारा होगा, और सेकेंडरी स्प्रेड किसके थ्रू होगा, इसका कोनिडिया के थ्रू होगा। और एक चीज और याद करना कि सीड के अंदर क्या रहेगा कि फंगस का माइसीलियम जो रहता है वो डोरमेंट पड़ा रहता है, डोरमेंट सीलियम रहेगा, तो जैसे ही अपने सीड ग्रो करते हैं तो उसके थ्रू इन्फेक्शन पूरे प्लांट में फैल जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि डोरमेंट माइसीलियम जो रहता है उसके, जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उसके थ्रू फर्स्ट इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फ्रॉम स्पोर्स फ्रॉम वन फूड टू अनदर, तो जो मतलब कि अपने फील्ड में अपने देखते हैं बहुत सारे जैसे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो स्पोर रहते हैं तो उसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर भेजने के लिए, तो ये मेनली रहेगा, इसकी स्प्रेडिंग इस तरह से हो जाएगी, डिजीज साइकिल आपको अभी मैंने बताई दी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट, अब सीड बोन डिजीज का नाम आ गया तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो क्या करोगे, डिजीज फ्री सीड लेते हो, ठीक है, अगर जो सीड आप लेते हो तो सीड का ट्रीटमेंट करते हो किससे, थायरम 2 kg पर हेक्टेयर और जिनेव 2.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए 3 spraying विद कैप्टन 0.2% के हिसाब से, और फर्स्ट स्प्रेइंग जस्ट बिफोर फ्लोरिंग, मतलब फ्लोरिंग होने लगती है उससे जस्ट बिफोर अपने फर्स्ट स्प्रेइंग इसकी कर देते हैं, और सेकंड स्प्रे कब करते हैं जब फ्रूट फॉर्मेशन होने लगता है, और थर्ड स्प्रे कब करेंगे कि जो फोर्टनाइट इंटरवल होता है मतलब कि लगभग 15 दिन के अंतराल के बाद में इसकी मतलब सेकेंड स्प्रे अपने किया उसके 15 दिन के अंतराल के बाद में थर्ड स्प्रे करनी चाहिए। तो ये इसका मेनली
भी रहेगा, अपने यूज करते हैं केमिकल, इनका स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बायो कंट्रोल में क्या यूज करना चाहिए, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस और बेसिलस सेप्टिलिस। तो ये बैक्टीरिया है, मतलब कि इनसे क्या है कि सी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, तो इससे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सुडोमोनास फ्लोरेसेंस प्लस में ट्राइकोडर्मा वीरिडी। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है ठीक है, जो कि फंगल बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करती है। तो इन दोनों को मिला के भी क्या करना चाहिए, सी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो इस तरह से डिजीज का जो कंट्रोल है वो किया जा सकता है। तो ये आपकी खत्म होती है यहाँ पे एंथ्रेक्नोज। नेक्स्ट अपनी चिल्ली की सेकेंड डिजीज पढ़ते हैं, चिल्ली लीफ कर्ल डिजीज। तो लीफ कर्ल जो डिजीज है, यहाँ से आपका मान के चलो कि 5 मार्क्स में भी ये जो डिजीज है वो पूछ सकती है, प्लस में 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, प्लस कोजल ऑर्गेनिज्म के साथ में इसका वेक्टर हमेशा पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इसका वेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चिल्ली लीफ कर्ल जो डिजीज है उसका मतलब, अगर आपको वायरस का नाम पूछे तो कहीं ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही ऐसे लिख दो कि जो चिल्ली लीफ कर्ल आपने देखा तो कास्ट बाय ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आप डायरेक्ट अगर लिख दो कि वायरस, तो वो आपका गलत हो जाता है। अपने को वायरस का पूरा नाम लिखना पड़ता है, इसके वायरस का नाम क्या रहेगा, चिल्ली लीफ कर्ल वायरस। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, चिल्ली लीफ कर्ल वायरस, वायरस का नाम ही ये रहेगा चिल्ली लीफ कर्ल, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा वेक्टर, इसमें कौन सा रहता है, वाइट फ्लाई वेक्टर रहता है, बेमेसिया टेबेसाई जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो वाइट फ्लाई के ऊपर इसका वेक्टर मतलब पूछा जाता है, यहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए इसके सिम्टम, तो सिम्टम की अगर बात करें तो वायरल डिजीज है, वायरल जितनी भी जो डिजीज होती है उसमें मेनली कॉमनली एक ही टाइप के जो सिम्टम है वो अपने को देखने को मिलता है। फर्स्ट तो क्या होता है कि प्लांट के ऊपर येलोइंग आ जाती है, रिंकलिंग होने लग जाती है, जो मतलब कर्लिंग होने लग जाएगी। चिली लीफ कर लें तो कर्ल से ही आप समझ जाओ कि इसके अंदर क्या होता है कि अपवर्ड कर्लिंग होने लग जाती है, जो लीव्स रहती है उसके अंदर क्या होगा कि जो लीफ है पूरी की पूरी वो ऐसे कर्ल हो जाएगी, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि कर्लिंग है वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, और धीरे धीरे क्या होगा कि पकरिंग भी देखने को मिलती है। इसमें पकरिंग क्या होती है, कभी भी जो चिल्ली का प्लांट होता है वहां पे आप देख लेना, ये जो डिजीज है वो तो आपको दिख ही जाएगी, आराम से दिख जाती है, जितने भी जो चिल्ली के ग्रोइंग फील्ड्स रहते हैं वहां पे ये डिजीज आती आती है। तो वहां पे देखना जो लीफ, यहाँ पे आपको इमेज में भी दिख रही होगी, तो ये लीफ में देखो कि ऐसे उभार सा आया हुआ है, ऐसे मतलब उठा हुआ सा है लीफ के ऊपर पूरी, मतलब ये लीफ जो है उसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है कि पकरिंग, ठीक है। तो वो मेनली जो सिम्टम है वो किससे होता है, पकरिंग भी वायरस से जो भी रोग लगते हैं उनका मेन सिम्टम रहता है, और जो साइज है नोड्स और इंटर नोड्स जो बनते हैं उनका साइज है वो भी कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाते हैं बिल्कुल, और पौधा क्या रहेगा लास्ट में अपने को झाड़ी नुमा ऐसे दिखने लग जाता है, प्लांट है वो बुना रह जाएगा, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर होगा फ्रूट फॉर्मेशन तो भी मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बिल्कुल छोटा सा फ्रूट इससे बनता है, और बिल्कुल ऐसे मतलब जो कि ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये मेनली इसके रहेंगे सिम्टम। इससे यहाँ पे अपने दोबारा भी देख लेते हैं, द लीफ कर्ल इज कैरेक्टराइज बाई सीवियर स्टंटिंग, मतलब प्लांट है वो बोना रह जाएगा, प्लांट विद डाउनवर्ड रोलिंग एंड रिंकलिंग ऑफ द लीव्स, मतलब जी क्या होगा कि जो लीव जो रहेगी वो डाउनवर्ड वो कर्लिंग हो सकती है, अपवर्ड कर्लिंग भी आपको देखने को मिलेगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड जो लीफ है वो बिल्कुल रोल होने लग जाएगी, ऐसे कर्ल होने लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए लीव्स बिकम स्मॉल इन साइज, बिल्कुल छोटी रह जाती है, और उसका इंटर नोड है उसका साइज है वो भी बिल्कुल छोटा रह जाएगा, गिविंग द प्लांट एज विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम मतलब समझ रहे हो कि चुड़ैल की जो झाड़ू रहती है ना, चुड़ैल की झाड़ू किस तरह से रहती है, उस तरह का एक सिम्टम अपीयरेंस होता है, झाड़ू झाड़ी नुमा हो जाता है बिल्कुल, प्लांट भी एक्स्ट्रा उसकी ग्रोथ सी हो जाएगी, बिल्कुल पत्तियां आपको बिल्कुल छोटी छोटी दिखेगी, प्लांट देखने में ऐसे झाड़ी नुमा दिखता है। नेक्स्ट देखिए लीव्स आर पेल येलो कलर, मतलब कि फर्स्ट नेक्स्ट क्या होगा कि जो लीव्स होती है वो पेल येलो कलर की हो जाती है, वहाँ पे क्लोरोफिल का जो क्लोरोफिल जो रहता है वो लो सने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रूटिंग इज स्टॉप्ड, फ्रूट दैट फॉर्म्ड आर स्मॉल एंड डीफॉर्म्ड, मतलब कि जो फ्रूटिंग होती है इसके अंदर वो कि जो क्या होगा कि
या तो बनेंगे नहीं, बनते हैं तो बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। और इस डिजीज के अल्टरनेट होस्ट कौन से रहेंगे, टोबैको रहेगा, टोमेटो रहेगा, पपाया रहेगा, इन सब पे लीफ कर्ल वायरस आता ही आता है। तो ये कौन से रहेंगे, इसके अल्टरनेट होस्ट होते हैं जिसमें ऑफ सीजन में जैसे ये जो डिजीज है वो सर्वाइव करती है। नेक्स्ट देखिए इसका ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन इसका किसके थ्रू होता है, व्हाइट फ्लाई के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। मतलब व्हाइट फ्लाई के द्वारा जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो वायरस है वो कौन लेके जाएगा, व्हाइट फ्लाई लेके जाती है। नेक्स्ट देखिए इसका कंट्रोल मेजर, तो कंट्रोल की अगर बात करें तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो फील्ड के अंदर साफ सफाई रखना चाहिए। अगर फील्ड के अंदर अगर मतलब एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह हैं जो मतलब जिससे क्या होता है कि जो उनके ऊपर भी जो डिजीज है वो लग जाएगी और इससे जो डिजीज है वो ज्यादा फैलती है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए फील्ड को। नेक्स्ट देखिए रोगिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, रोगिंग मतलब जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था वायरल डिजीज का कि वायरल जो डिजीज होती है उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसका बस लास्ट ऑप्शन यही होता है कि डिजीज अगर आ गई है तो उसका क्या करो कि प्लांट को पूरी तरह से उखाड़ के जला दो, फेंक दो, बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दो, फील्ड से खत्म ही कर दो। अदरवाइज क्या होगा कि नेक्स्ट जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंफेक्शन फैलता जाएगा और प्लांट है वो पूरा बर्बाद होने लग जाएगा। तो या फिर इसका दूसरा कंट्रोल अपने क्या कर सकते हैं, इसका अपने जो इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, मतलब इंसेक्ट का कंट्रोल करने के लिए जरूर अपने इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, तो इंसेक्टिसाइड आप फील्ड में डाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ ऑप्टिमम डोज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जो भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होते हैं उनका ऑप्टिमम डोज डालना चाहिए जिससे कि जो डिजीज है वो कम आए। जो नेक्स्ट है कि लेटरल और जो अल्टरनेट होस्ट इसके रहते हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए ताकि ऑफ सीजन में जो वायरस है वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखिए अप्लाई कार्बोफ्यूरॉन 3 g एट द रेट ऑफ 4-5 kg पर एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन का यूज करना चाहिए जो कि एक इंसेक्टिसाइड है और जो कि सकिंग पेस्ट जो रहते हैं मतलब वाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, इनके लिए काफी हद तक इससे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इसका सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड भी अपने इसमें यूज कर सकते हैं, कौन सा रहेगा, डाईमेथियोएट 2 ml और एसीफेट 1 g/L के हिसाब से, और इसका बेस्ट रहता है इमिडाक्लोप्रिड। तो इसका आपको मैंने पहले भी बताया था कि चिली पे मैंने भी रिसर्च किया हुआ है, तो इसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो इससे ही आया था, इमिडाक्लोप्रिड का ही बेस्ट रिजल्ट आया था जो कि 3-4 ml/L के हिसाब से यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और इसमें बायो कंट्रोल की अगर बात करें तो स्लाइड में मेंशन नहीं है, वो भी आप एक बार लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बायो कंट्रोल में मैंने भी जैसे यूज किया था ये मैं बता रही हूँ कि NSKE नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो NSKE तैयार किया जाता है, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है, जो नीम के जो सीड्स रहते हैं ना तो उन सीड को जो उसकी आउटर कवरिंग जो रहती है सीड की, तो वो तोड़ के और फिर जो बिल्कुल जो इंटरनल जो पोर्शन रहता है उसका बिल्कुल छोटा सा एक बीज सा निकलता है, तो उसको मतलब उसको पूरा ग्राइंड करके और वो एक तैयार किया जाता है NSKE। उसमें मतलब थोड़ा सा साबुन या तो सर्फ मिला सकते हो या फिर साबुन का घोल आप उसमें डाल सकते हो, पानी मिला के और फिर एक घोल सा तैयार किया जाता है NSKE का। तो ये क्या काम करता है कि ये एक इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर काम करता है, मतलब अर्ली स्टेज में अपने क्रॉप के ऊपर अगर इसका छिड़काव कर देते हैं तो उससे क्या होगा, 5% के हिसाब से अपने यूज करते हैं NSKE, तो इससे क्या होगा कि अगर अर्ली स्टेज में अपने डाल देते हैं तो वो इंसेक्ट को रिपेल करता है, मतलब प्लांट की जो सरफेस होती है, लीव्स की जो सरफेस होती है उसके ऊपर अपने ये चिपक जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर जैसे बैठते हैं तो वो रिपेलेंट का काम करेगा अर्ली स्टेज में, जो प्लांट की अर्ली स्टेज होती है उस टाइम अगर ये डाल दो तो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज आप सोचो कि अगर व्हाइट फ्लाई आ गई है उसके बाद में अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका रिजल्ट नहीं मिलता है अपने को, अगर अर्ली स्टेज में डाल दे तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और बायोलॉजिकल भी है भी, मतलब इसमें ज्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं लगता है, प्लस में सेफ भी है अपने प्लांट के लिए भी। तो NSKE भी अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है बायोलॉजिकल, इसका कंट्रोल में आप भी यूज कर सकते हो इसमें NSKE नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट। तो NSKE की बहुत बार क्या होता है कि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इस एग्जाम में तो शायद ही पूछेंगे बट आगे कभी कोई एग्जाम दो तो उसमें भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है,
कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड वायरस प्लांट एज सून एज दे आर नोटिस, मतलब कि जैसे ही जैसे ये अगर डिजीज आ जाती है और ज़्यादा ज़्यादा अगर फैलने लगे अपने फील्ड के अंदर, तो क्या करना चाहिए, जो भी इन्फेक्टेड जो प्लांट्स रहते हैं उनको उखाड़ के और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये रहेगा इसका मैनेजमेंट। और नेक्स्ट चीज़ एक और याद करना कि अगर याद रहे तो कर लेना, कॉम्पिटिशन के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी इस एग्ज़ाम में तो शायद ही पूछे आपसे इसकी एटियोलॉजी के बारे में। तो वायरस जो भी एटियोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ कि बैगमो वायरस जीनस का ये वायरस है, बैगमो वायरस इसका जीनस है, बैगमो वायरस, बैगमो इधर लिख देती हूँ, बैगमो वायरस, बैगमो वायरस इसका जीनस है और इसकी फैमिली है जेमिनी वायरिडी, एक मिनट, बैगमो वायरस और इसकी फैमिली है जेमिनी वायरिडी, जेमिनी वायरिडी, अब नोट कर लीजिएगा। और इसका मतलब मेन करेक्टर क्या रहता है इसके अंदर भी, वायरस का अगर क्लासिफिकेशन आप देखोगे, आपने मतलब फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा, उसमें अपने देखते हैं वायरस को इसी बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कौन से वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इस बेस पे उनको क्या है क्लासिफाई किया गया है। तो इस जो वायरस है इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है जो कि जेमिनी वायरिडी फैमिली का मेन करेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ये थोड़ा सा एटियोलॉजी है इसकी, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है यूजी के अकॉर्डिंग, बाकी एमएससी में तो क्वेश्चन पूछते हैं, यूजी में शायद ही आपसे पूछे, बट आपके आगे के लिए भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसमें नोट कर लीजिएगा, ये जीनस कौन सा रहेगा, बैगमो वायरस इसका जीनस रहेगा, फैमिली रहेगी जेमिनी वायरिडी और इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो बाकी मैंने आपको इसका कंट्रोल और वो सब तो बता ही दिया है। थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे आपकी ये डिजीज खत्म होती है।